Look in the mirror, tell me, what do you see? Don't be blind, tell me now, what do you see? You're created by the one. आज हम आपको इजी वे में सीताफल क्रीम बनाना सिखाएंगे और हम अपनी होममेड क्रीम से बना के बताएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप अमूल की क्रीम जो रेडीमेड आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सब में पहले हमने हमारा जो मिल्क लिए हैं यहाँ पर, तो ये फुल क्रीम मिल्क है, इसमें मलाई भी है और इसमें मिल्क भी है। तो ये फ्रिज का ठंडा मिल्क है, तो हम ये मिक्सी जार में इसको डालेंगे और इसको स्मूथ सा कर लेंगे। और ये स्मूथ होने के बाद हम इसमें हाफ कप शुगर, 1 पिंच हमने इलायची पाउडर लिया, 1 पिंच नमक, ये डाल के एक बार हल्का सा इसमें फिराएंगे। देखिए ये मिक्सी जार में हमने क्रीम को स्मूथ कर लिए हैं और इसमें शुगर वगैरह भी ऐड कर दिए। अब हम आपको सीताफल को बताते हैं कि किस तरीके से आपको उसको इजीली आप उसका गुदा निकाल सकते हैं, उसका पल्प निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जो फूड चॉपर आता है, वेजिटेबल चॉपर, तो वो ले लिए। तो आप अगर मिक्सर में फिराएंगे, बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं कि जिसमें मिक्सर में बताया गया है प्रोसेसर में, तो उसमें क्या होता है बीज भी कट जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस इसमें जो है बहुत इजीली हो जाता है, तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिए। तो इसका सिर्फ अंदर बीज के साथ वाला गूदा हमको लेना है। पहले आप जितने भी बना रहे हैं तो पहले एक पूरा एक साथ नहीं डालना है, सिर्फ एक सीताफल हमने इसमें डाले और ये अभी हमने इसका इस तरीके से गूदा भी निकाल लिए। और अब हम इसको बंद करेंगे और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने इजीली जो है बीज इससे अलग हो चुके हैं गूदे से, बस हमने इसको 6-7 बार ही चलाए हैं। तो अब ये हम अपने ये जो बीज है इसको अलग कर देंगे और इसका जो पल्प है उसको इस क्रीम में, फेटी हुई क्रीम में डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट लगे हमें इसके तमाम बीज रिमूव किया करके। तो हमने इसके सब बीज जो है इधर इसमें निकाल लिए हैं और ये पूरा इसका पल्प है, तो ये हम पूरा इस क्रीम में मिला देंगे। अब हम दूसरा सीताफल भी लेंगे, अब उसी तरीके से प्रोसेस सब हम करेंगे और तमाम जो इसका गूदा है, पल्प है, उसको इस प्रोसेसर में डालेंगे। हमने दूसरे सीताफल का पल्प भी डाल दिया इस हैंडी चॉपर में और हम इसे फिर से 5 से 6 बार चलाएंगे। देखिए कितना इजीली इसका पल्प अलग हो गया, बीज अलग हो गया। अब इस बीज को हम रिमूव करेंगे और इस पल्प को भी उसी तरीके से इस क्रीम में डालेंगे। ये सारे पल्प को हम इसमें मिला चुके हैं, अब हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। हमारी क्रीम 4 कप्स थी, यानी कि ये मेजरमेंट से 4 कप, तो हमने इसके लिए 4 सीताफल लिए, यानी 4 कस्टर्ड एप्पल लिए। तो वो हिसाब से आप क्रीम के हिसाब से मेजर कर सकते हैं। तो ये 4 इसके हिसाब से बिल्कुल सही हो गया है मेजरमेंट, तो आप भी इसी तरीके से लीजिए। और इसको अभी हम सर्व करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखने वाली है कि इसके लिए आप बिल्कुल पके हुए सीताफल लीजिए, राइप सीताफल लीजिए, तो उससे इसमें बहुत टेस्ट आएगा, बहुत जल्दी वो चॉपर में पल्प उसका निकल आएगा। अगर आप थोड़े हार्ड लेंगे तो उसको आपको ज़्यादा टाइम तक उसमें चॉप करना पड़ेगा चॉपर में। La 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 la